बोलो जुबां केसरी वाला पान मसाले का फेमस एड तो आप सबने देखा ही होगा। अब कर ही क्या सकते हैं, इसका स्वाद होता ही कुछ ऐसा है कि इसकी लत छूटती ही नहीं है। खैर ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो इसके एड्स में बार बार दिखाया जाता है। कमाल की बात यह है कि इस एड को बनाने वाले से लेकर इसे खाने वाले तक हर किसी को ये बात पता है कि ये कितनी ज्यादा नुकसानदायक होती है, फिर भी लोग इस जहर के पैसे देकर इसको खरीदते हैं और उसी पैसे से ये पान मसाला बनाने वाली कंपनियां इतना ज्यादा कमाई करती हैं कि ये अपने एड्स में शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स को ले आते हैं। लेकिन इतने प्रचार के पीछे की असली सच्चाई क्या होती है, ये भी तो जानना बनता है ना कि आखिर इसे फैक्ट्रीज में कैसे बनाते हैं। मित्रों आपको ये बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि आज हमारे देश में 30-31% लोग रोज गुटखा खाते हैं, और अगर आप इसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये तकरीबन 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं। यानी कि ये कंपनियां इसे बेचकर एक दिन में लगभग 160 करोड़ का बिजनेस कर रही है, और अगर आप इसे किसी भी बड़े बिजनेस से कंपेयर करेंगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा ऊपर होता है। इस गुटखे को बनाने के लिए सबसे पहले जिस सामग्री को यूज किया जाता है ना वो होता है सुपारी। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इन छोटे छोटे कोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगे हुए हैं। इन सुपारियों की तब तक अच्छे से देखरेख करी जाती है जब तक कि ये बिल्कुल पक नहीं जाते। जब एक बार ये फल अच्छे से पक जाते हैं ना तो फिर इन्हें इनके पेड़ों से प्रॉपर अलग कर लिया जाता है, जिसके लिए पूरा धोबी घाट वाला पैतरा आजमाया जाता है। यानी कि इन पौधों को लेकर एक लकड़ी के टुकड़े पर पूरी धोबी पछाड़ लगाई जाती है ताकि ये पेड़ों से अलग हो जाएं। और जब ये पेड़ों से एक बार अलग हो जाते हैं ना तो अगले स्टेप में इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि इनके अंदर की नमी को सुखाया जा सके। अब इसके बाद इन्हें महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है। अब ऑफ कोर्स नॉट इसलिए क्योंकि वो काटने में माहिर होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बड़ी ही बारीकी से और सतर्कता से ऐसे हाथों पर कपड़ा बांधकर इन्हें काटकर इनके अंदर से उस फल के दानों को बाहर निकालती है। अब यहाँ से सुपारी के इस दाने को लेकर बेहद ही गंदी सी दिखने वाली इस भट्टी में एक लाल रंग के केमिकल में उबाला जाता है ताकि इसका लाल कलर इन पर चढ़ सके। अब जब एक बार इस पर ये रंग चढ़ जाता है ना तो इसे धूप में सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। अरे हाँ एक बात तो आपको बताना ही हम भूल गए कि इसमें वैक्स भी तो मिलाया जाता है जिसे पैराफिन वैक्स कहते हैं। ये वही वैक्स होता है जो कि आजकल हमें फलों के ऊपर मिलता है और इसी से मोमबत्ती भी बनाई जाती है। अब सूखी हुई सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं जिससे कि सुपारी तो बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन अब बारी आती है तंबाकू बनाने की, जिसे 8-10 हफ्तों के लिए उगाया जाता है और बढ़ते हुए पौधों के ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि तंबाकू का पौधा बढ़ सके। जब 100 से 120 दिन में ये पत्ते बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें कटाई करके एक वुडन घर में आर्टिफिशियल हीट की मदद से सुखाया जाता है, और अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया जाता है। अब पहले से तैयार सुपारी में ये तंबाकू, पान मसाला, कत्था जैसी तमाम चीजें मिलाई जाती है, लेकिन सबसे जरूरी जो इसमें मिलाया जाता है ना वो आपका जानना बहुत ही जरूरी होता है, वो होता है शीशा। जी हाँ, कांच की बॉटल्स को एक बड़ी सी मशीन में डालकर उनका बुरादा बना दिया जाता है और फिर उसे भी इसमें मिला दिया जाता है। इस पाउडर से हमारा हाथ तो नहीं कटता है, लेकिन हमारे मुंह और गले की स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है जिससे कि वो कट जाती है, और अगर कोई इसे लंबे समय तक खाता है ना तो उसे कैंसर होने का भी डर होता है। और यही वजह भी होती है कि इसे बनाने वाली कंपनियां पैकेट पर हेल्थ वार्निंग भी लिखती हैं, लेकिन इसे खाने वाला व्यक्ति कहाँ इन वार्निंग्स और निर्देशों को ध्यान में रखता है। कांच मिलाने का रीजन ये होता है कि जब गुटखा हमारी कटी स्किन पर लगता है ना तो उसका असर और भी तेज बॉडी में होता है, तो कुछ इसी प्रकार से इन तमाम चीजों को मिलाकर बनता है पान मसाला जो कि करता है आपके जुबान को पूरा केसरी। उम्मीद है पान मसाला बनाने का ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।